आज हम बहुत ही शानदार पराठे की रेसिपी बनाएंगे। साथ ही ये पराठे जो बनेंगे बहुत ही हेल्दी बनेंगे। आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मालाज कुकिंग तड़का में। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस शानदार से पराठे की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम जो लेंगे तो ये 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। इसके बाद 1/4 कप हम लेंगे सूजी। सूजी आप बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। फिर हम 1/4 कप बेसन ले लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सौंधापन आएगा पराठों में। नमक डाल देंगे और 2 टेबल स्पून इस पर हम ऑयल या घी कुछ भी डाल देंगे। इसके बाद हम 1 से 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे। पानी डालकर इसका हम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जो हमें डो लगाना है वो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तो ये देखिए हमने रोटी जैसा सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट करने देते हैं। इसके बाद हम इसमें चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए हमने ये कच्ची कैरी ली है। ये 1 कैरी है, इसे मैंने काट कर ले लिया है। 1 कप धनिया ले लेंगे डंडी के साथ में। अदरक ले लेंगे 1 इंच। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा ले लेंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून काला नमक, 1/4 टेबल स्पून प्लेन नमक, 2 टेबल स्पून चीनी और 1 आइस क्यूब डाल देंगे। इससे जो चटनी का कलर है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो ये देखिए जो हमारी चटनी है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार है। इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस पराठे के साथ में इस चटनी का टेस्ट और पराठे का टेस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब गैस पर हम पैन चढ़ाएंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम सौंफ डाल देंगे और ये 1 टेबल स्पून दरदरा कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है। इसे मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया था। इसको भून लेंगे। इसके बाद इसमें ये 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज है, इसे इसमें डाल करके इसे भी हम भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इसे कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है। जो भी चीज़ें हम इसमें पका रहे हैं हल्का सा इसमें क्रंच रहने देना है। तो देखिए प्याज हमारी लगभग पक चुकी है। हल्का हल्का सा इसमें ट्रांसपेरेंट सा कलर आ गया है। अब इसी समय हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। बेसन डालकर इसे हम भून लेंगे। बेसन डालने से जो हमारा सब्जी है ना उसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज नहीं होगा। और ये देखिए अब इसमें हम 1 शिमला मिर्च है, इसे बारीक करके मैंने ले ली थी, इसे भी डाल देंगे। और ये 3 गाजर हैं, इसे हमने बारीक कर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। और इन सब्जियों को अब हम अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये देखिए इसी समय हमने 1 ग्रेट किया हुआ उबला आलू है, ये भी इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम चला लेंगे। तो ये देखिए सब्जियों ने पैन छोड़ दिया है। अब इसी समय हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हरी धनिया की पत्तियां डाल देंगे। और ये घर पर बनाया हुआ पनीर है तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। आप मार्केट का पनीर भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं और आप पनीर के बिना भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे पनीर के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। पनीर डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा और बच्चों को ये पराठे बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये देखिए इसे अब हम निकाल देते हैं। एक बॉल में निकाल कर इसे हम रख देंगे ताकि जो हमारी ये फिलिंग है ये ठंडी हो जाए। गरम गरम फिलिंग अगर हम बनाएंगे तो पराठे फटने लगेंगे। तो ये देखिए इसे ठंडा होने देते हैं और अपना आटा देख लेते हैं। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। एक बार हाथों से इसे अच्छे से मसल लें और मसलने के बाद में इससे हम एक लोई तोड़ लेंगे। तो ये देखिए थोड़े से बड़े साइज़ की लोई लेंगे और इसे हम अच्छे से गोल कर लेंगे। इस तरीके से गोल करेंगे और फिर हम इसे चपटा कर लेंगे और इसके बाद इसे चकले पे या कोई सरफेस पे रखकर हम इसे बेल लेंगे। तो एक हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो ये देखिए हमने रोटी बेल ली है और ये देखिए रोटी हमारी पतली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फिलिंग थी ये ठंडी हो चुकी है, इसे हम रोटी पर रखेंगे। तो इस फिलिंग को हम इसमें रेक्टेंगल शेप में रख देंगे। तो ये देखिए अब हम एक साइड से इसके ऊपर इस तरीके से जो रोटी है इसमें इस तरीके से रख देंगे, दूसरी रोटी को ऊपर से ओवरलैप करते हुए रख देंगे और इस साइड से भी इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसे हम फोल्ड कर देंगे।
तो ये देखिए हमारा जो पराठा है बिल्कुल पॉकेट जैसा बन गया है, इसीलिए मैंने इसे पॉकेट पराठा का नाम दिया है। अब थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे हम रोल कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे हम इसे लंबाई में इसी तरह से इसी शेप में हम इसे रोल आउट करेंगे। इस पराठे को बनाना बहुत ही आसान है, जो नए लोग हैं वो भी इस पराठे को बेहद आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं बढ़ाएंगे और इस तरीके से इसी रेक्टेंगल शेप में हम पराठे को बना लेंगे। अब मैंने गैस पर तवा चढ़ा दिया है और तवे पे डालकर इसे हम सेक लेंगे। तो ये देखिए पहले हम एक साइड से इसे सेकेंगे और जैसे ही एक साइड से ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो पलटकर दूसरे साइड भी इसे हम सेक लेंगे। और अब इसे हम फिर से टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद में इसमें हम घी या तेल जो भी आप लगाते हों लगा करके बढ़िया से हम पराठे को सेक लेंगे। तो इसे अच्छे से घी लगाइएगा ताकि बढ़िया सा इसमें करारापन आए। हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, इससे हमारे जो पराठे हैं वो सौंधे बनेंगे और जो हमारी सूजी है वो पराठों को क्रिस्प करने का काम करेगी। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छे से आप इसमें तेल लगा लें या घी लगा लें और अच्छे से इसे लाल कलर आने तक, अच्छे से सुनहला होने तक सेक लें। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर हमारे पराठों में आ गया है। इसी तरीके से इसे हम प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें क्रंचपन आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया और टेस्टी पराठा हमारा बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको ये पराठे बच्चों को टिफ़िन में देना है तो आप रात में ही इसकी फिलिंग बना करके फ्रिज में रख लें और सुबह आप बहुत आराम से इस पराठे को बना करके बच्चों को टिफ़िन में दे सकती हैं। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं अपनी चटनी के साथ में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी ये पराठा हमारा बन करके तैयार हुआ है। बच्चे और बड़े सभी को ये पराठे की रेसिपी पसंद आती है, सभी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इस शानदार रेसिपी को आप भी बना करके ट्राई करिए दोस्तों और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने ये पराठे बनाए तो आपको ये पराठे कैसे लगे। तो ये देखिए दोस्तों मैं इसे आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितना हमारा पराठा शानदार बना है, बहुत ही इसमें अच्छा सा एक कलर आया है। अब मैं इसे आपको काट कर इसके अंदर की फिलिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसे हम काटेंगे और इसके बाद इसके अंदर की जब हम फिलिंग देखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग बनी थी, तो पराठा तो शानदार बनेगा ही। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से इसमें हमने फिलिंग भरी है, बहुत ही स्वादिष्ट ये पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।